हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा एसएससी में पूछे जाने वाले हरियाणा से रिलेटेड जितने भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके इतिहास से हो गए, चाहे भूगोल से हो गए, चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो गए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन हैं वो सारे पार्ट मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। ये इसका पार्ट सेकेंड है। इससे पहले मैंने आपका पार्ट फर्स्ट भी बना रखा है, अगर आपको देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो गाइस, आज फिर लेके आए हूँ हरियाणा जीके का पार्ट टू। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो वन क्षेत्र कितना है? 1559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1559 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? पानीपत में। ठीक है भाई, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट है आपका राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? तो राज तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? यह है रेवाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है, तो घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? ठीक है, तो किस जिले में होता है? ये होता है आपका महेंद्रगढ़ में, याद रखना किस में होता है, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? किसकी? भिवानी टेक्सटाइल मिल की हुई थी 1937 में, अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी भाई भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है नारसिंह स्टेडियम? यह है आपका फरीदाबाद में। ठीक है, नारसिंह स्टेडियम कौन सा है? मयूर कहाँ पे स्थित है? यह है आपका फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 1967 में। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन सारे हैं जितने भी हरियाणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर रखे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक सेकेंड सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है भाई, कोशिश करना समझने की। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? यह बनाया था आपका हिसार को। किसको? हिसार को। ठीक है भाई, याद रखना, किसने बनाया था? लाला लाजपत राय ने। क्या बनाया था? राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था लाला लाजपत राय ने। किसे? हिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? तो वेदव्यास द्वारा कहाँ पे की थी? ये की थी कुरुक्षेत्र में। आप सबको पता ही होगा महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए? तो कौन से नगर शामिल किए गए थे? ये था करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 हमारा, फिर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को, क्वेश्चन नंबर 62 है भाई हमारा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62 है, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा, ठीक है, क्या है? हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया गया था भाई आपका कहाँ पे? गुड़गांव में। ठीक है, ये किया गया आपका गुड़गांव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, पंचायत चुनाव के भाग, क्या क्वेश्चन है? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शिक्षणीय योग्यता क्या निर्धारित की गई है? ये की गई है 8वीं पास, कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, किस राज्य में पंचायत चुनाव में
प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया, ये किया गया आपका हरियाणा में, ठीक है भाई, हरियाणा में किया गया है प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है, कितना आता है भाई 57%, कितना 57%। हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, तो कितने ज़िले आते हैं, ये आते हैं आपके 13 ज़िले, किसके एनसीआर के अंडर में। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है, ठीक है, तो कौन सा कहलाता है भाई गुड़गांव, ठीक है, कौन सा मिलेनियम। नेक्स्ट, हिंदुस्तान मिशन टोल्स कहाँ पर था, ये कहाँ पर था हिंदुस्तान मिशन टोल्स, ये था पिंजौर, पहले अम्बाला और अब पंचकुला ज़िले में, ठीक है, पिंजौर पहले अम्बाला में था और अब पंचकुला ज़िले में है। नेक्स्ट, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी, तो कहाँ से चली थी, ये भी आपके रेवाड़ी से चली थी पहली सीएनजी ट्रेन। जो भी क्वेश्चन होते हैं ना कि पहली ट्रेन होगी, ठीक है, जो भी होता है पहला और आखिरी, तो वो हमेशा आपको याद रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहला और आखिरी, ठीक है। तो पहली सीएनजी ट्रेन कब कहाँ से चली थी, ये चली थी रेवाड़ी से। नेक्स्ट है, हरियाणा के पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है, तो कितनी है भाई 10,000 रुपये है, ठीक है, हरियाणा के पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा 10,000 रुपये। नेक्स्ट, हीरो मोटो कप्स का कारखाना हरियाणा में कहाँ है, तो हीरो मोटो कप्स का कहाँ पे है दारू हेड़ा रेवाड़ी में। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है, ठीक है, ये कहाँ है आपका झज्जर जिले के जहाजगढ़ में, ठीक है, झज्जर जिले के जहाजगढ़ में। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था, तो कहाँ का था, ये था आपका रेवाड़ी का, क्या नाम है इसका सम्राट हेमू। नेक्स्ट है 78, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, दोनों की स्थापना कब हुई थी 1975 में, और आपको पता होगा दोनों अपने बॉर्डर का, दोनों की कैपिटल एक ही है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की, ठीक है। नेक्स्ट है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है, ये है आपके फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा, ये है आपका यमुनानगर, किस किस चीज़ के लिए, कागज और प्लाईवुड के लिए। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद, कौन सी राय मुकुंद दास का छाता और बीरबल का छाता कहाँ है, यह है आपका नारनौल में, ठीक है, कहाँ पे है नारनौल में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, ये भी है सीही फरीदाबाद में, सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था आपका फरीदाबाद में, सीही में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था, यह था अम्बाला में, ठीक है, कहाँ पे था अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, ये हुई थी आपकी 1969 में, ठीक है, 1969 में, 69 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, कितना प्रतिशत है 1.3, पूरे देश में से हरियाणा बस 1.3% है, और सबसे ज़्यादा गोल्ड लेके आ रहा है हमारा हरियाणा, ठीक है भाई, ये तो याद पता होगा सबको, हमारा हरियाणा सबसे ज़्यादा गोल्ड लेके आ रहा है और पूरे देश का बस 1.3% है। नेक्स्ट, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई, ये हुई थी 1976 में, कब हुई थी 1976 में। नेक्स्ट है, हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है,
तो कौन से जिले में? यह है यमुनानगर में, यमुना नदी पर। ठीक है भाई, याद रहेगा। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले और किस नदी पर है? यह है यमुनानगर के यमुना नदी पर। नेक्स्ट है, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं? यह बनती हैं आपके गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव आपको पता होगा, बहुत अच्छी सिटी बना दी गई है। ठीक है, तो यह कहाँ होती है? गुड़गांव में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था बहुधान्य प्रदेश, बहुधान्य प्रदेश। ठीक है, हरियाणा का नाम पहले क्या था? बहुधान्य प्रदेश। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यह आपका गुड़गांव। ठीक है, याद रखना कौन सा है? गुड़गांव। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? पी नेकीराम शर्मा। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके हरियाणा के केसरी। नेक्स्ट, हरियाणा का पहले राज्यपाल कौन थे? तो सबसे पहले राज्यपाल कौन था हरियाणा का? ये था धर्मवीर जी। टूटे से ना टूटे जोड़ी, धर्मवीर। ठीक है, कौन है? धर्मवीर। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन सी नस्ल में भैंसे फेमस हैं? ठीक है, प्रसिद्ध हैं। यह है आपका मुर्रा। कौन सी है भाई? मुर्रा। नेक्स्ट है, फेमस शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है शीतला माता मंदिर? ये आपको गुड़गांव में, फेमस शीतला माता मंदिर। नेक्स्ट है आपका, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो ये किसने बनाई थी आपकी? ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है आपका 96, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? यह है आपके हिसार में। कहाँ पे? हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा हरियाणा सबसे बड़ा जिला? यह है भिवानी, हरियाणा का सबसे बड़ा। मैंने आपको फिर कहा सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे पहला, ये सारे सबसे आखिरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। तो हरियाणा का सबसे पहला जिला कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा क्वेश्चन पे थे? 98 पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, सिंधु सभ्यता का केंद्र मिताथल किस जिले में स्थित है? ये आपका भिवानी में। मिताथल किस जिले में स्थित है? यह भिवानी में। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे आपके पंडित भगवान दयाल शर्मा। ठीक है, पंडित भगवान दयाल शर्मा। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है भाई, थानेश्वर क्या है भाई? थानेश्वर किस फेमस राजा की राजधानी थी? किस फेमस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी क्या थानेश्वर? ये थी हर्षवर्धन की। किसकी थी भाई? हर्षवर्धन की। तो याद रखना इसको। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने जितने भी आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा HSSC की जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज़ शेयर करना। क्या बताइए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर आप नहीं कर रहे हो और आपके पास गलती से आ गई हो, तो उनको भी ये शेयर कर देना। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।